अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट फोर्थ जनरेशन एंड देयर फीचर्स, लेक्चर नंबर 13। ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1971 टू 1980s, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन का पीरियड था वो 1971 से लेकर 1980 तक था। इन दिस जनरेशन यूजेज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो है VLSI की जो है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, यानी कि ये सर्किट्स जो हैं ये यूज़ हुई थी फोर्थ जनरेशन के अंदर। VLSI सर्किट्स हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट्स एलिमेंट्स विद देयर associated circuits on a single chip made it possible to have, यानी कि इसके अंदर जो ये सर्किट्स थे वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स थे, इनके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर जो थे वो पाए जाते थे, यानी कि इसके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर सर्किट्स वगैरह होते थे और उसके एलिमेंट्स वगैरह होते थे, और इस तरह से इस सिंगल चिप की जो है वो जो है उसको बनाया जाता था। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स ऐड किए जाते थे और डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स वगैरह या एलिमेंट्स वगैरह होते थे, देन ही वो हमारा डाटा जो है उसको स्टोर करता था और उसकी जो मेमोरी है वो भी इजीली वो ज़्यादा होती थी और वो भी स्टोर करती थी। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, यानी कि इसके अंदर इसकी जो बैटरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये नहीं था कि वो अचानक से उनकी बैटरी लो हो जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना बैटरी का इशू था और ना ही कोई उसका पावर वगैरह का इशू था। और ये रिलायबल थे, रिलायबल मीन्स कि इस पर ये ईजीली जो है हम इसको यूज़ कर सकते थे जितनी मर्जी देर तक, और ये अफोर्डेबल भी थे, यानी कि ये कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। एज अ रिज़ल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इस नतीजे पे देखा जाए तो इस तरह से ही बढ़ता कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बढ़ता गया और कंप्यूटर की जो है वो इजादात बढ़ती गई और कंप्यूटर जो है वो पर्सनली यूज़ होना शुरू हो गया, यानी कि यूज़र्स जो हैं वो अपने घरों में, यानी कि घर वगैरह में भी पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो गए, यानी कि कोई भी यूज़र है उसका पर्सनल कंप्यूटर होता था, उसको किसी दूसरे का कंप्यूटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ती। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इस जनरेशन के अंदर टाइम जो है वो भी शेयर होता था, यानी कि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं था होता, टाइम जो वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था और नेटवर्क्स भी इसके अंदर अच्छे आते थे, टाइम से आते थे, कोई इश्यूज़ नहीं थे होते, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये चीज़ें इसके अंदर बेसिकली यूज़ होती थी इस जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट है, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, डाटाबेस एक्सेट्रा वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं जो कि हैं सी और C++ और डाटाबेस एक्सेट्रा, यानी इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं इस कंप्यूटर के अंदर। पहली जनरेशन जो थी उनके अंदर हाई भी और लो दोनों यूज़ होती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन जो है ये ऐसी जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन है जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, इसके फीचर्स हैं VLSI टेक्नोलॉजी यूज़, यानी कि इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। वेरी चीप, यानी कि बहुत सस्ती है, इसको हम ईज़िली जो है वो ख़रीद सकते हैं। पोर्टेबल एंड रिलायबल, पोर्टेबल मीन्स कि इसको हम ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा इसका साइज़ नहीं होता।
यूज़ ऑफ पीसीज मीन्स के पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़र के लिए ये यूज़ होती है। ये जनरेशन जो है ये नहीं होता कि ये कोई अदर पर्सन यूज़ करे, ये कोई भी आम इंसान जो है वो इसको यूज़ इजीली कर सकता है। और स्मॉल साइज़ यानी कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, यानी कि हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इजीली, हमें कोई इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, इसके अंदर पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है। पाइपलाइन यानी कि पाइप्स पाइपलाइनिंग वगैरह होती है, किस तरह से प्रोसेस करना है उसको, किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से उसके अंदर सर्किट्स वगैरह जो उसको परफॉर्म करना है, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। नो नीड ऑफ एसी, यानी कि एसी की हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एयर कंडीशनर जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसके अंदर हमें बताया गया था कि इंटरनेट जो है वो क्या है, उसके बारे में बताया गया था और हमें मुतारफ़ कराया गया था कि इंटरनेट क्या है बेसिकली, वो किस तरह से यूज़ होता है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पर्सनली घर में बैठ के। ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स की फील्ड में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन डेवलपमेंट थी, यानी कि एक तरक्की थी, बहुत अच्छी और बेहतरीन तरक्की थी कंप्यूटर की फील्ड में, नेटवर्क्स की फील्ड में। कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल, और कंप्यूटर जो है इसके अंदर इजीली जो है वो कंप्यूटर के अंदर इजीली जो है वो नेटवर्क अवेलेबल था, इंटरनेट अवेलेबल था, कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं थे होते, यानी कि इंटरनेट जो एक्सेस हमें कहीं जाके नहीं थी करनी पड़ती इस कंप्यूटर की वजह से। इसके अंदर ऐसे फंक्शंस थे, ऐसे ऑपरेशंस थे जिसकी वजह से हम इंटरनेट जो है एक्सेस कर सकते हैं। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, यानी कि इस कंप्यूटर के, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो ये थे, डेक 10, स्टार 1000, पीडीपी 11, सुपर कंप्यूटर्स, यानी कि फोर्थ जनरेशन के ये वाले सारे कंप्यूटर्स यूज़ हुए थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। टुडे आवर लेक्चर एंड, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।